ये कहते हैं कि झाड़ा लगाने के जो 1 रुपए भी आता है उसको बंद करें, डॉक्टर का जावा 300-300 रुपए ओपीडी फीस कतर दिया हुआ है, मानो है ना। फिर और उसका आराम ना हो जित तो उसने एक बार भी ना कहा जाकर की मारी तेरी दवाई तो आराम ना हुआ, अगर भीड़ कम है तो, क्योंकि वो भी गरीब साई आदमी है, कर दे जिसने उसकी बनाया सरदा। आज उसने क्या सिस्टम किया कि फ्री में भी कोई खाएगा नहीं, कुछ आदमी डेरे का खावाना है तो उसने 20 रुपए की 5 पूरी और सब्जी, 20 रुपए में 5 पूरी सब्जी आ जाए। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शक ना, मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाई अपना पता है कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट गांव मोखरा में साध्वी जी आई हुई है, सोमनाथ जी, जो अपने वीडियो देखी है और सारे भाई बहुत सारे कमेंट आने लग रहे थे, सबका कमेंट का जवाब मैं नहीं दे सकता था, तो माता जी हमारे साथ में बैठी है, तो माता जी आदेश आदेश भाई। तो माता जी आपकी वीडियो जो आप इंटरव्यू कराया था आपका, तो उसमें बहुत सारे भगत जन है जिसका बहुत सी बीमारियाँ हैं, उनके बहुत से सवाल उठने लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो न्यू पूछना चाह रहे हैं लोग कि आपका नंबर मिल सका कि नहीं मिल सका, तो पूछ कर जाए कि कब मिलोगे। मैं मिलती हूँ मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को और रविवार को, बाकी मैं नहीं मिलती। मिलती तो हूँ पर के नाम से काम बहुत ज़्यादा हो जाए, बच्चे भी तो है मेरे, तो मिलने जाना पड़े या कोई काम बाहर मार्केट का हो जाए या कैसे भी, तो 4 दिन में यही मिलूंगी। तो कुछ भाई का ये भी कमेंट था कि स्मैक का जो नशा है नहीं वो भी जाड़ आता है बंद हो उसका, जुगर आप दारू का बंद करवावा। स्मैक, चरस, गांजा, सुल्फा, ये जो नशे हैं ये दो दो जगह यहाँ लेके आने पड़ते हैं, यानी कि एक उसको पिलाएंगे और एक धुएं में डालेंगे या जोत पे डालेंगे, जैसे भी हम करेंगे प्रोसीजर होगा इस तरीके से, उसको एक बार में यही बैठा के पिलाऊंगे। हीरोइन, ड्रग्स वगैरह कुछ भी हो, वो नशा डबल डोज में लेके आए तो उसका नशा देखो 80%, फिर वही बात कहूंगी 80% लोगों के छूट गए हैं, छूटे नहीं है तो जहाँ वो चार चार इंजेक्शन चरस के लिया करते ना, आज उन्होंने एक एक इंजेक्शन कर दिए हैं, और उनके माता पिता फिर दोबारा भी लेके आए उनको, अब वो एक भी छोड़ दिया। तो सबसे पहले माता जी लोगों का यू भी सवाल उठन लग रहा है कि अब मतलब आपने बताया कि चरस, गांजा, अफीम जो भी नशे हुए हैं, दारू होगी, तो आप उनका चढ़ावा यहाँ पर मंगाओ साथ में, तो जावा कड़ा तो लोग भी पूछने लग रहे हैं। जो अफीम, चरस, गांजा, सुल्फा, ड्रग्स, हेरोइन वगैरह हैं, उनको तो उन्हीं के सामने जो जोत जल रही है केसर मल बावरी की, उसी के दीवे के ऊपर रख देते हैं, तो उसी टाइम पिघल जाता है वो, तो क्योंकि वो पिघलने वाली चीज़ होती है। और जो बची दारू की बात, जो एक बोतल तो मान ले वो बंदा पी जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे टैंक के टैंक गाँव हैं जो कि आखिरी गाँव हैं, वे नुका गाल ले जा वो पी जाए हैं। उसके बाद जो एक बोतल बचती है पीर बावरी के नाम की, उस बावरी की बोतल को उठा के हम रख देते हैं। अब की बार हमने वो बोतलें मुरथल पहुँचाई थी, 90 बोतल चढ़ी थी, 90 में से 6 हम मुरथल दे के आए थे, बाकी हमने वे बोतलें सारी नहर में डाल दी थी। कुछ लोगों ने जैसे कि ग्राउंड मीडिया वाले आए थे, उनसे ये भी कहा गाँव वालों ने कि भाई ये बोतल बेचती है, तो अब आप आए हुए हो अगर लाइव चल रहा है तो वो बंदा अब इस कैमरे के सामने आके बोले कि मैंने बोतल बेची है, मतलब लोगों ने ये बात कही बेचा है। हाँ जी, ग्राउंड मीडिया वालों से कहा है कि बोतल बेचती है, तो कोई तो ऐसा बंदा हो जो प्रत्यक्ष में आके बोले कि बोतल बेची है। अच्छा, तो लोग न्यू भी तो कहने लग रहे हैं, आप तो पिछली बार भी हमने एक सवाल पूछा था कि आप जो चढ़ावा के लिए बोलते हैं कि लोग यहाँ तो पीछा वाला काम करने लग रहे हैं, अपना एक धंधा बना रखा है, तो अपना जवाब भी देता है कितना के कुछ चढ़ावा है, तो लोग न्यू कहने लग रहे हैं चढ़ावा लेवे क्यों है, बिल्कुल बंद क्यों नहीं कर देते चढ़ावा, बिल्कुल बंद। कौन सा चढ़ावा? जो मतलब जो अपने पास जो 10-5 रुपए चढ़ावा नहीं, इनको ये बिल्कुल बंद करने चाहिए, लोग ये कमेंट कर रहे थे। अच्छा, बिल्कुल बंद करने से अगर कोई दान करना चाहता है तो उसको हम ये कह दे कि मत कर। तो लोगों को बताओ ना कि ये कौन से दाम पे चढ़ावा ना चढ़े, शनिवास पे चढ़ावा ना चढ़े, चढ़े है ना। और फिर जो पैसे आए हैं उस पैसे को कुछ हम मंदिर में लगाएंगे, कुछ हमारे बच्चे भी हैं। और कितना चढ़ावा आ जाए, 3,000 आदमी आ, मतलब 5,000 रुपया आ गया तो कितना चढ़ावा होगा, आदमी गलत 10 रुपए बट ना आया। सही बात है। तो देख ले भाई की सारा सौदा फरी में आवा, बाहर लंगर भी मतलब भंडारा का भी सेवा होगा, जो बाहर तक आवा यात्री आवा उनका तर पानी की व्यवस्था करनी, खान पीन की, और जो राशन आवा फ्री में तो आंदा को नहीं। माता जी ने बताया कि जो चढ़ावा उस तरह, सुनो मेरी बात, दिन के 2.5 किलो घी और 2.5 किलो तेल फूकता है इन जोतों में, जो जोत चल रही है अखंड जोते रहती है 24 घंटे, ये खर्चा कहाँ से आओ है। सही बात है, मान हो ना ये बात। 5,000 रुपये मान ले एक गद्दी पे आ गए, तो बाकी 8 गद्दी आओ है, 5×8=40, 2 किलो घी, 2.5 किलो घी और 2.5 किलो तेल पर डे का, और फिर गोले गाले जो हम अपने तरफ तक डाल रहे हैं वे बबूत भी बनावा, हाँ दुनिया ने देवा भी, हाँ चाय पानी की व्यवस्था करा, हाँ पानी के टैंकर भी आओ हैं, तो वे कहाँ से आते हैं। तो देख लो भाई, माता जी ने यही बताया कि आपका यू सवाल था कि 1 रुपया का भी दान लेना बंद कर दो, अगर दान लेना बंद कर दिया नहीं तो इतनी जनता लग रही है, उनका जो पानी की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है, वह करता सामेंगे।
तो जी जनता भी कमेंट कर रही है कि अगर यहाँ आना चाहो तो एक बार फुल एड्रेस बता दो, कुकर आवा कौन सा शहर में आना पड़ेगा, फिर मोखराम कुकर पहुंचे। देखो जी, कोई गुड़गावा साइड से आता है, गुड़गावा दिल्ली साइड से आता है, तो वो कहीं से भी आ रहा है तो उसको रोहतक आना पड़ेगा। गुड़गावा दिल्ली कैथल करनाल कहीं से भी साइड से आएगा तो उसको रोहतक आना पड़ेगा। रोहतक से 15 किलोमीटर मोखरा गांव है और पुराने बस स्टैंड से साधन मिलेंगे, वहां से फिर मोखरा गांव में आना है। मोखरा गांव में आने के बाद जब बस स्टैंड पहुंचेंगे मोखरा के, तो वहां आने के बाद किसी से भी पूछ ले कि हमें बसाना रोड पे जो जारवीर का मंदिर है यानी गुगा पीर का, पाना खेड़ी यानी खेड़ी पाना देसी भाषा में आगरा, तो उस पाने में जाना है, उसमें एक साधवीरा है उसके पास हमने जाना है। अपने रेवाड़ी साइड से आ रहे हैं तो उनको झज्जर होके आना पड़ेगा, अपने ये हिसार साइड से आ रहे हैं तो उनको कलानोर आना पड़ेगा, या सीधे रोहतक भी आ सकते हैं। अगर राजस्थान से कोई आता है तो राजस्थान से कोई भी आता है तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रोहतक, वो इंसान रोहतक पहुंचे और वहां से साधन ले, और साधन लेने के बाद मोखरा गांव में खेड़ी पान्ना में बसाना रोड पर गुगा पीर का मंदिर है वहां पहुंचे। और इस गांव में लेडीज भगत में ही हूँ, और इस गांव में नहीं आसपास में धूना लगाने वाली लेडीज भगत में ही हूँ। कहीं ये भी कमेंट थे कि लकवा भी हो जाए जी, और हम कहीं खुजली देगा सारा दिन, उस खुजली का भी झाड़ा लग जाएगा। देखो जी, जिसके लकवा होता है, खुजली होती है, टाइफाइड होता है, थायराइड होता है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ आए, यहाँ आए, झाड़ा लगवाए, आराम हो तो दोबारा आए, नहीं तो ना आए, मैं उसने बोलने नहीं जाऊं, पर एक बार आके तो देखे कि आराम है या नहीं। देखो तो देख लो भाई, जितने आपके कमेंट आ रहे हैं सबके कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर सकते। और तो एक बात ये कहते हैं कि झाड़ा लगाने के जो एक रुपए भी आता है उसको बंद करें, डॉक्टर का जाना 300-300 रुपए ओपीडी फीस का तर दिया हुआ है, मानो ना, फिर और उसका तो आराम ना हो जित, तो उसने एक बार भी ना कहा जाके की तो मारी तेरी दवाई तो आराम ना हुआ, और तो खान पीन की व्यवस्था भी नहीं होती, और के व्यवस्था हो, और उस लाइन में कतरा लाख जे हैं लंबा, 2-3-4 घंटा बैठा रहे हैं, और जो वो टेस्ट लिखा है वो करवाना पड़ेगा, और फिर भी आराम नहीं होगा। उससे तो ना कहा बंद कर, फ्री सेवा कर। तो देख लो माता जी ने यही किया कि मैसेज आया था कि 1 रुपए का भी दान बंद करो, तो माता जी का यही कहना है कि तुम हॉस्पिटल में जाओ, थोड़ा सप्ताह पहला 500 रुपये पर्ची कटेगी, तो उस पर क्यों रोक होंगी, और जब वहाँ जाने के बाद कोई खाना की सुविधा को नहीं होंगी, कोई जूस की सुविधा नहीं होंगी, कोई चाय की सुविधा नहीं होंगी, और यहाँ आने के बाद सारी की सारी सुविधा मिल जाए, क्यों माता जी? बिल्कुल जी, पर हम फ्री सेवा नहीं करते हैं जी, खाने की कुछ सुविधाएं फ्री होती हैं हमारी, जैसे कि चाय की व्यवस्था, जो हमारे मंदिर के बाहर जो खोका है उस खोके पे जितनी संगत आएगी उसको वो इंसान फ्री में चाय पिलाता है, और पानी की व्यवस्था करता है वही इंसान। ठीक है, तो कमेटी का सहयोग लगा लो, किसी का भी लगा लो, ये दो चीज़ें उसके पास फ्री हैं, बाकी उसकी इच्छा होती है तब वो पकौड़े वकौड़े भी बना के दे देता है भीड़ को, अगर भीड़ कम है तो, क्योंकि वो भी गरीब साई आदमी है, करते हैं जिसने उसकी बनाया श्रद्धा। आज उसने क्या सिस्टम किया कि फ्री में भी कोई खाएगा नहीं, कुछ आदमी डेरे का खावाना है, तो उसने 20 रुपए की 5 पूरी और सब्जी, 20 रुपए में 5 पूरी सब्जी आ जाए कौन आवन जी, और साथ में दही का और लस्सी का रायता, ये उसने पब्लिक के लिए किया, एडजस्टिंग की उसने, तो सब ने, कुछ लोगों ने खाया, कुछ ने नहीं खाया, तो इससे क्या है कि फ्री में भी नहीं खाया और सेवा भी होगी, दोनों काम हो गए ना। और चढ़ावा देखो जी, गोरखनाथ का नाम लेके कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते गोरखनाथ खांड न मांगा है, काली माता खांड न मांगा है, पर जिस देवता का नाम लेके झाड़ा लग रहा है उस देवता ने थोड़ा बहुत तो भोग चाहिए होता होगा, वो भगत तो देवगा ना, जो सिद्धियाँ चल रहे हैं, जो कि हम संकट काटे हैं सिद्धि चला चला, उसमें जो खर्चा है वो खर्चा भी तो लगाना पड़ता होगा, कहीं से बर्फ की सिल्ली आओ हैं, चलो कमेटी सहयोग कर देती है, कहीं से भी कभी हमें खुद भी करना होता है, मानो ना यह बात, तो ये बात है। लास्ट में संदेश का माध्यम तो ये बता दो, क्योंकि इतनी सारी डाल की बीमारी हो, मैं लेकिन लोग कुछ कमेंट कर ना पा, कुछ वीडियो देख जाए तो उनका वो शक दूर हो जाए, कौन सी बीमारी देखो जी, बचपन से कोई इंसान दिमागी मरीज है, तो उसकी जब दिमाग, भगवान ने दिमाग ना डाला तो उसमें मैं कितना डालूंगी, मानो या बात, उसके कुछ कर्म होंगे। लकवा किसी को लग गया या बचपन से ही वो अपंग है, तो उसके, उसको मैं क्या कर सकती हूँ जो भगवान ने उसके अंग ना दिए, तो माइग्रेन की बीमारी, नज़ले की बीमारी, किए कराए में कैंसर हो गयो, किए कराए में वैसे नहीं, किए कराए में कैंसर हो गयो, लीवर किए कराए में बैठ गया हो, पेट में दर्द हो, रसोली हो, किसी आंत में छेद हो किए कराए में, घुटनों में दर्द हो, बाथरूम की कोई समस्या हो, पित्त की थैली की जगह गुर्दे में पथरी हो, तो वो भी निकल जाएगी, घुटने में दर्द हो, पंजे एड्डी तलेगा चोटी तक
का मतलब कि झाड़ा है, मैं तो पूरा शरीर का ही लगाया करूँ, ओम शिव गोरखनाथ आए नमो कह के। उस समय वो के काटे से के ना काटे वो ये जाना है जति गुरु गोरखनाथ, मेरे को नहीं पता। तो देख लो भाई जितने थारे कमेंट आना है सबके जो कमेंट के जवाब थे वो अपने मिल भी गए होंगे, और जो थारे और कमेंट है वे भी करके बताइए भाई किस किस का राम है जो यहाँ तक झाड़ा लुआ के गया है। जनता की बात करावांगे आपके सारे की, जनता की वीडियो अपने देखने में मिलेगी कितनी जनता यहाँ पर आवे। और जो माता जी ने बताया कि बाहर एक खोखा लगा हुआ है चाकी सेवाओं पर दही जावे और खाने की भी सुविधा दही जावे बाहर तक, तो वो भी आपने दिखाओगे और जनता दही पूछांगे कितना उनका राम होया। तब तक के लिए बने रहिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय गुरु गुरु।